दिल्ली के दीनदयाल रोड पर खड़े कुछ पत्रकारों पर कार सवार दो लोगों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक कार सवार दो लोगों की एक ऑटो वाले से किसी बात को लेकर कारसुनी हो गई थी, तो कुछ पत्रकारों ने बीच बचाव करा दिया। इस बात से नाराज होकर आरोपी पहले तो कार में सवार होकर जाने लगे, फिर गाड़ी रोकी, एक व्यक्ति बाहर निकला और पत्रकारों पर हमला किया। यूपी के देवरिया में बेटे ने अपने पिता की आंख फोड़ दी। पिता के मुताबिक बेटा पैसे मांग रहा था। बेटे की मांग थी कि जमीन बेचकर उसे पैसा दिया जाए, मना किया तो गुस्से में उसने हमला कर दिया। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। शराब की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति पर रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश समेत दो बदमाशों को मार गिराया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम ने दबिश दी थी। बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मारे गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मानेसर गांव के सरपंच की हत्या कर दी। नक्सलियों ने सरपंच राजू तेलाम के घर पर हमला किया और सरपंच को घर के बाहर खींचकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। हरियाणा के अंबाला में एक युवक ने कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। अमृतक युवक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक अपने साथ हुई ब्लैकमेलिंग की वजह और आरोपियों के बारे में जानकारी दे रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के जींद में एक इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर के सुसाइड नोट में अधिकारियों, SHO और एक ठेकेदार पर उसे झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। परिवार वालों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल अस्पताल में भी परिवार वालों ने हंगामा किया और कार्रवाई होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। रांची कोर्ट में स्थानीय लोगों ने कचहरी परिसर में वाहन चोरी कर रहे चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को कब्जे में ले लिया और पूछताछ के लिए साथ ले गए। राजस्थान के जोधपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने अपने विभाग में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कर्मचारी ट्रांसफॉर्मर चोरी करता था। पुलिस आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर बाकी साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। यूपी के बांदा में पति ने पत्नी की हसीये से काट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पति ने गुस्से में कदम उठाया। महिला के परिवार वालों के मुताबिक आरोपी पति नशे का आदी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार है।